पास नहीं, जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखिया माला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। दस्तक बिना आए गम भी अजीब है, जानते नहीं है इनको फिर भी क्यों नसीब है। हाथ जिसने थामा था वही ना हुए अपने, हाल तू ही जाने रब्बा तू ही तो करीब है। तुझको ही की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। मेरी तकदीरों में लिखिया माला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा। अगर तू उससे प्यार करता तो जाके उससे बोल क्यों नहीं देता। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, वो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या पता था जान ले लेगा दिल मेरा निशाना था, दर्द था नसीब में दर्द को निभाना था, आग के समंदर में डूब के ही जाना था। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखिया माला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। मेरी तकदीरों में लिखिया जिसका ना इलाज कोई, दर्द ये जहर जैसा, खालीपन यूं। सुनो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर आया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हमारे बीच में कौन आएगा यार। तकदीर।
नसीबों की उतरी रिदा कोई और मेरी तकदीरों। तुम्हारी औकात भी है क्या मुझसे प्यार करने की? ये तो अपने कॉलेज का दोस्त हिमांशु है। वो एनी को क्या हुआ? गम भी अजीब है, जानते नहीं है इनको, फिर भी क्यों नसीब है। हाथ जिसने थामा था वो ही ना हुए अपने, हाल तू ही जाने रब। रुक जाओ, और ये लड़की कौन है और इसे तुम इस घर में क्यों लेकर आए हो? ये लड़की मेरी बीवी है और अब ये इसी घर में रहेगी। तो मैं कौन हूँ? मैं तुमसे प्यार करता था बट अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता यार। मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं, मेरी तकदीरों में लिखे माला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तुही ओढ़ दे, मेरी तकदीरों में लिखे माला था। क्या पता था जान ले लेगा दिल मेरा निशाना था, दर्द था नसीब में दर्द को निभाना था, आग के समंदर में डूब के ही जाना था। जख्म पहले मिटे आके और देते हैं, यहाँ पे कैसे और मुझे यहाँ पर कौन लाया और उनका नाम क्या है? उनका अमित नाम है, आप लेट जाइए, घबराइए मत। बन के एक कहर जैसा मेरे इस अंधेरे में कोई ना सहे। डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, खतरे से बाहर है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। रोज किसी का इंतजार होता है, रोज ये दिल बेकरार होता है, काश टूट के बिखरने वालों का कोई संभालने वाला भी होता है। मेरी तकदीरों में लिखे आमाल।
हेलो गाइस, अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. लव यू ऑल गाइस.